नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल आर्ट्स मास्टर पे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर की, ठीक है, जो कि आपका है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। अगर पहला चैप्टर क्या है व्यष्टि अर्थशास्त्र, यानी उसका एक परिचय देखना है हमको, तो इसके जो भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं इंपॉर्टेंट वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से बनते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और हो सकता है आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछेगा। तो दोस्तों पहला प्रश्न आपका है व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है किस किस को हम सम्मिलित करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो आपके ऑप्शन है व्यक्तिगत इकाई को, छोटे छोटे चर को, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण को या उपयुक्त सभी को। तो दोस्तों व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम जितने भी छोटे छोटे स्तर की बात करेंगे, व्यक्तिगत इकाई की बात करेंगे, वो सारे के सारे सभी हो जाएंगे, यानी इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, व्यक्तिगत इकाई को भी, छोटे छोटे चर को भी और व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण को भी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित करते हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन 2016 के देख रहे हैं कॉमर्स वाले एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट आपका है सेकेंड प्रश्न, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, आपको बताना है उपभोक्ता व्यवहार का किस इकोनॉमिक्स में अध्ययन करते हैं, व्यष्टि में कि समष्टि में। आपके ऑप्शन है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, जिसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं, आय विश्लेषण में, समष्टि अर्थशास्त्र में या उपयुक्त रूप से कोई नहीं। तो दोस्तों उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं यह भी क्वेश्चन आपका 15, 17, 18 में भी पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट आपका है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको हो सकता है दोस्तों एक ही प्रश्न को अलग अलग ऑप्शन देकर क्वेश्चन पूछता है, प्रश्न वही रहता है लेकिन ऑप्शन बदल जाते हैं, उसको भी देखना है क्या कह रहा है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न से किसका अध्ययन किया जाता है, आपके ऑप्शन है व्यक्तिगत इकाई के, आर्थिक समग्र, राष्ट्रीय आय या उपग्रह से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन 15 और 17 में पूछा गया है। तो दोस्तों व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या बोलते हैं कि जो भी छोटे इकाई की बात करेगा, व्यक्तिगत इकाई की बात करेगा, वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 व्यक्तिगत इकाई। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है, यानी कि व्यक्तिगत स्तर की बात करता है, छोटे छोटे स्तर की बात करता है। क्लियर है। चौथा आपका है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब समष्टि अर्थशास्त्र की बात कर रहा है तो चलिए देखते हैं। आपके ऑप्शन है राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, कुल उत्पादन, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों समष्टि अर्थशास्त्र में हम सभी का अध्ययन करते हैं, राष्ट्रीय आय का भी, पूर्ण रोजगार का भी, कुल उत्पादन का भी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी का अध्ययन करते हैं समष्टि में। ठीक है, यह क्वेश्चन आपसे 2015 और 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट आपका है पांचवा प्रश्न, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है। आपके ऑप्शन है वस्तु कीमत निर्धारण, साधारण कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखा में सभी को शामिल करते हैं। ओके, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कीमत निर्धारण भी होता है, साधारण कीमत निर्धारण भी होता है और आर्थिक कल्याण भी व्यष्टि अर्थशास्त्र का शाखा होती है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। छठे प्रश्न की बात करते हैं, छठा प्रश्न कहता है उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन हैं। आपके ऑप्शन है भूमि, श्रम, पूंजी या उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, तो यह क्वेश्चन भी झारखंड बोर्ड में पूछा गया है 2011 में, बिहार बोर्ड में 2015 में पूछा गया था, वैसे पूछता ही रहता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के क्वेश्चन करता है। तो क्या है आपका इसका आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्पादन के साधन में भूमि, श्रम और पूंजी तीनों शामिल होते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है माइक्रोज, जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है, यानी कि आपको बोला है माइक्रोज शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, ये आपसे पूछ रहा है, घुमा फिरा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 2011 और 2015 में पूछा गया है आर्ट्स एग्जाम में। आपके ऑप्शन है इसमें अरबी, ग्रीक, जर्मन और अंग्रेजी। तो दोस्तों माइक्रोज जो शब्द उत्पन्न हुआ है वो आपका ग्रीक शब्द से उत्पन्न हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं में व्यष्टि और समष्टि में से किसने विभाजित किया है। ओके दोस्तों, क्या कह रहा है आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं यानी कि व्यष्टि और समष्टि में किसने विभाजित किया है। तो आपके ऑप्शन है मार्शल ने, रिकार्डो ने, रैग्नर फ्रिश ने या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों समष्टि और व्यष्टि में जो विभाजन किया था वो रैग्नर फ्रिश ने किया था, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका है नवा प्रश्न कहता है किसने कहा
अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। आपके ऑप्शन है मार्शल्स, ठीक है, रॉबिन्स, थर्ड है एडम स्मिथ, फोर्थ है जेके मेहता। ओके दोस्तों, क्या कहना चाह रहा है आपसे कि किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? आपके ऑप्शन है मार्शल्स, रॉबिन्स, ठीक है, और क्या है एडम स्मिथ, जिनमें से कोई नहीं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एडम स्मिथ ने कहा था, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। धन का विज्ञान है अर्थशास्त्र, किसने कहा था? एडम स्मिथ ने कहा था। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका है सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकता का विचार किसने दिया था? दसवां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? सीमित साधन और असीमित आवश्यकता का विचार किसने दिया था? आपके ऑप्शन है एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स और सैमुएलसन। तो दोस्तों यह विचार दिया था आपका रॉबिन्स ने, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका है निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? ओके दोस्तों, क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? आपके ऑप्शन है सीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, सेकेंड है सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, थर्ड है अब दोनों, और द है आपका उपयोग से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर थर्ड अब दोनों, ठीक है, आर्थिक क्रियाओं के अंत में हम सभी को शामिल करते हैं, दोनों को शामिल करते हैं। नेक्स्ट आपका है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो आप ये सबको पता होना चाहिए अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तेरहवा प्रश्न की बात करें, तेरहवा प्रश्न कहता है अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे। ओके, अर्थशास्त्र के कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे कौन थे? आपके ऑप्शन है एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्सन या सैमुएलसन। तो दोस्तों अर्थशास्त्र के कल्याण संबंधी जो परिभाषा दिया है वो आपका मार्शल ने दिया था, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौदहवें प्रश्न की बात करें, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट का प्रयोग करने वाले कौन थे, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है मार्शल, बोल्डिंग, केन्ज या रैग्नर फ्रिस। तो दोस्तों अभी ऊपर जस्ट हम लोग किया था कि माइक्रो और मैक्रो में किसने डिवाइड किया था, तो रैग्नर फ्रिस ने डिवाइड किया था, यानी ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का प्रयोग सबसे पहले रैग्नर फ्रिस ने किया था, क्लियर है। पंद्रहवां प्रश्न आपका है किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? ओके दोस्तों, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? आपके ऑप्शन है मार्शल, पॉल सैमुएलसन, जे एस मिल या एडम स्मिथ। तो दोस्तों मानव कल्याण का विज्ञान कहा है मार्शल ने कहा है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं ये क्वेश्चन आपसे 2015-17 झारखंड में 2012-18 से पूछा गया है, ठीक है। 16वां प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सी कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? ठीक है दोस्तों, यानी कहना चाह रहा है इसमें से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? आपके ऑप्शन है भूमि, श्रम, मुद्रा और पूंजी। तो दोस्तों पीछे हम लोगों ने किया था कि उत्पत्ति के तीन साधन होते हैं, आपका होता है भूमि होता है, श्रम होता है, पूंजी होता है, मुद्रा आपका उत्पत्ति का साधन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मुद्रा ऑलरेडी कैपिटल में शामिल होता है, तो इसको अलग से ऑप्शन बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, यानी इसका क्या हो जाएगा, आपसे क्या पूछा है, नहीं है पूछा है, तो मुद्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुद्रा क्या है, उत्पत्ति का साधन नहीं है, तीन ही उत्पत्ति के साधन है, भूमि, श्रम और पूंजी, याद रखिएगा। अगला है व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न से किसका अध्ययन किया जाता है? ओके, तो देख रहे हैं आपका ऑप्शन बदल गया है, क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत विचार, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग, इनमें से कब सभी। तो दोस्तों देख रहे हैं जहाँ जहाँ आपका व्यक्तिगत लगा है तो सारे उसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि व्यष्टि में हम व्यक्तिगत इकाइयों का ही अध्ययन करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट आपका है अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है? आपके ऑप्शन है व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, नेक्स्ट है उपरोक्त दोनों या उनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अर्थशास्त्र में हम क्या करेंगे अध्ययन, दोनों चीज़ का अध्ययन करेंगे, ठीक है, विषय वस्तु
व्यष्टि और समष्टि दोनों में होता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, उपरोक्त दोनों। ठीक है, अर्थशास्त्र के विषय वस्तु हम दोनों के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आपका है, निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पूछा है नहीं है, लिखा है निम्न से कौन अर्थशास्त्री कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? आपके ऑप्शन है जेबीसी, मार्शल, पीगू या कैनन। तो दोस्तों कल्याणवादी जो विचारधारा है अर्थशास्त्र में, वो आपका मार्शल ने दिया था, और उसके संबंध में आपका सपोर्ट करने वाले पीगू और कैनन दोनों थे। ठीक है, यानी ये तीनों आपके कल्याणवादी विचारधारा के संबंधित हो जाएंगे। जेबीसी आपके इससे संबंधित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कल्याणवादी विचारधारा में तीनों को शामिल किया जाता है, मार्शल, पीगू और कैनन, क्योंकि मार्शल तो ऑलरेडी इसका सिद्धांत दिया था, विचारधारा दिया था, और इसके सपोर्ट करता थे पीगू और कैनन, तो ये तीनों संबंधित है, जेबीसी इससे संबंधित नहीं है, वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान? ओके, क्या कहना चाह रहा है, 2018 का क्वेश्चन है, किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान होता है? आपके ऑप्शन है मार्शल, फ्रेडमैन, किन्स या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह कथन आपका फ्रेडमैन का है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रेडमैन ने ही कहा है अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इस चैप्टर से इतना ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको काफ़ी है इस पहले चैप्टर के लिए। ओके, तो उम्मीद है आप लोगों ने सारे प्रश्न किए होइएगा, अच्छे से इसको कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं, जो भी प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन सब है, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चल दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।